हेलो फ्रेंड एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म, और आपका स्वागत है हमारे चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। काफ़ी लोग कहते हैं कि पीएचडी करने के फ़ायदे क्या है, क्या अगर हमें पीएचडी करने के बाद क्या क्या स्कोप है, क्या हमें पीएचडी इसलिए करें क्योंकि हमें असिस्टेंट कोई प्रोफेसर बनना है या किसी कॉलेज में एचओडी बनना है, क्या पूरा सिलसिला होने वाला है पीएचडी का, क्या स्कोप है पीएचडी के, आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और फ्रेंड, अगर आप लोग यूजीसी नेट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो बिल्कुल फ्री में फर्स्ट पेपर की, तो यहाँ पर आपको पूरा कंटेंट फ्री मिल जाएगा। हमारे फिलर फॉर्म पे फ्री ऑनलाइन क्लासेस होती है 11 बजे, 2 बजे और 9 बजे। साथ में दोस्तों, आप हमारे एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, फ्री कंटेंट यहाँ पर आपको फ्री में मिल जाएंगे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में। यहाँ पर क्या क्या मिलेगा, मॉक टेस्ट हो गए, 50 मॉक टेस्ट आपके यहाँ मिलेंगे, PYQ, MCQ और सेकंड पेपर का भी कंटेंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, काफ़ी लोगों ने दिमाग में ये फिट किया हुआ है कि PhD सिर्फ ओनली असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए होती है या आप अगर टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हो उसके लिए होती है, बट आजकल ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आप लोग PhD किस फील्ड में करो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। आजकल एक अलग से देखिए माहौल चल चुका है PhD का हमारे इंडिया में। अब PhD को इंक्रीज दिया जा रहा है, नेट एग्जाम हो रहे हैं, CSIR हो रहे हैं, स्कॉलरशिप दी जा रही है, तो एक अलग सा माहौल इन्होंने बना दिया। दोस्तों, हमारे यहाँ पर अब क्या होता है कि PhD जरूरी नहीं कि आप एक अच्छे फील्ड में ही जाएँ, आपके पास यहाँ बहुत सारे फील्ड होते हैं जिस अकॉर्डिंग दोस्तों आपका, देखिए आपने PhD किस फील्ड में किया। अगर आपने एक बायोलॉजी में किया तो आप अच्छे फील्ड में जा सकते हो, जरूरी नहीं कि आप टीचिंग में जाए। दोस्तों, आप किसी भी स्टार्टअप में एक अच्छे मैनेजर की पोस्ट पर ला सकते हो, आप बुक को पब्लिश कर सकते हो, ठीक है, या आप दोस्तों मार्केटिंग में हेड बन सकते हो। तो इम्पोर्टेंट है कि आपका PhD का मेन पर्पस क्या, आपने PhD की है तो किस लेवल पे की है, ठीक है। दोस्तों, यहाँ पर PhD करने का आजकल काफ़ी स्कोर हो गए, आप अलग अलग PhD कर सकते हो, लॉ में कर सकते हो, इंग्लिश में कर सकते हो, कंप्यूटर साइंस में कर सकते हो, आप नासा में जा सकते हो। तो दोस्तों, PhD कर अगर आप लोगों ने देखोगे जितने भी बड़े अधिकारी होते हैं या मैनेजर होते हैं दोस्तों, डॉक्टर लगाते हैं, और डॉक्टर कब लगता है, जब आपका PhD हो जाता है। तो PhD ये सोच के मत करना कि मेरे को असिस्टेंट प्रोफेसर भी बनना है, नहीं दोस्तों, PhD करने के बाद आपके पास काफ़ी सुनहरे मौके खुल जाते हैं, पैसे कमाई के बहुत सारे साधन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आज ही दोस्तों PhD में एडमिशन लीजिए, और PhD में दोस्तों आपको मिनिमम 3 साल और मैक्सिमम 5-6 साल आपको लगता है। बड़ी एक फ्यूचर स्कोप है जहाँ पर आपको अर्निंग घर बैठे आ सकती है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।